नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण के हालात पर जताई चिंता। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र से पराली जलाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान तैयार करने की बात कही। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 68,652 हेक्टेयर कृषि भूमि हुई है प्रभावित। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को 33% से अधिक नुकसान वाली कृषि भूमि का आकलन करने का दिया निर्देश। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने चेन्नई में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में कामधेनु शोधपीठ की स्थापना। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा गौ संवर्धन का विशिष्ट वैश्विक केंद्र बने सागर। कहा दुग्ध उत्पादन खाद्य उत्पादन और विभिन्न औषधि उपयोगों सहित गायों का है विशेष महत्व। उत्तर प्रदेश की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दी गई मंजूरी। 1,882 करोड़ रुपए की इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के 1,262 गांवों के 39,00,000 लोग होंगे लाभान्वित। उत्तर प्रदेश ने मार्च 2022 तक 78,00,000 परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान करने की बनाई है योजना। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं प्रदूषण की। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर और दिल्ली में हो रहे गंभीर प्रदूषण को गंभीरता से लिया है और कहा है कि यदि आवश्यक हो तो वाहनों पटाखों उद्योगों और धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करें। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रदूषण के मुद्दे को राजनीति और सरकार से इतर देखना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे हालात 2-3 दिन में बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्मॉग टावर और उत्सर्जन नियंत्रण परियोजनाओं को स्थापित करने के उनके फैसले का क्या हुआ। कोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल करते हुए कहा कि अब किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है, चाहे वह दिल्ली सरकार हो या कोई और। पटाखों पर बैन था, उसका क्या हुआ? आपने राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल खोल दिए हैं और अब बच्चे प्रदूषण के संपर्क में हैं। ये केंद्र का नहीं बल्कि आपका अधिकार क्षेत्र है। उस मोर्चे पर क्या हो रहा है, पराली समस्या का हिस्सा हो सकती है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। किसानों को मुआवजा मिले तो किसान पराली क्यों जलाएंगे। किसान राज्य सरकारों से लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारों ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि पराली के निपटान के लिए 2,00,000 मशीनें उपलब्ध है और बाजार में ऐसी 2 से 3 मशीनें हैं, अगर किसान उनका खर्च भी नहीं उठा सकते। अदालत ने पूछा कि क्या केंद्र या राज्य की सरकारें किसानों के लिए ये मशीनें खरीद सकती हैं या पराली का निदान कर सकती हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर प्रदूषण को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हैं। विकास, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि प्रदूषण की समस्या एक अब चिंता का सबब बन गई है पूरे देश के लिए, पूरे हर शहरों के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, जो निर्देश आते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या इससे कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? संतोष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत नीचे है और इसके और खराब होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि कम से कम कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म कोई निर्णय लिया जाए जिससे इस हालात से निपटा जा सके। अब इसमें जब भी सुनवाई होती है संतोष, तो इसमें जो प्रदूषण में जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनका योगदान है, वो मुख्यतः मोटर व्हीकल्स जो हैं वो हैं, इंडस्ट्री है, इसके अलावा फायर क्रैकर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है और दिवाली पर पटाखे छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं है, पटाखों का है। पटाखा बनाने वाले या गाड़ियां बनाने वाले वो कहते हैं कि आप पराली का डेटा नहीं देते हैं कि उससे कितना नुकसान है, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये लंबी सुनवाई का हिस्सा है। फिलहाल कोर्ट ये चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कम से कम 10 दिन के लिए दिल्ली में हालात सामान्य हो सके। अब इसमें एक सुझाव सीजीआई की तरफ से आया है कि क्या 2 दिन के लिए एक लॉकडाउन लगा दिया जाए, यानी उस दिन गाड़ियां ना चलें, केवल क्या हो सकता है उसमें केवल सार्वजनिक परिवहन चले, निजी गाड़ियां ना चलें, वो कैसा होगा लॉकडाउन, उसका स्वरूप क्या होगा, ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर ये कहा है, जहां तक पराली की बात है और किसानों से जुड़ा मामला है, कोर्ट ने भी ये कहा कि आप केवल पराली को ही जिम्मेदार मत ठहराइए, वो भी एक
कारक है, एक कंट्रीब्यूटर है, लेकिन अकेले जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि किसानों को खर्च ना करना पड़े इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, उनको कुछ इंसेंटिव मिले तब वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, उसको अपना पाएंगे। जब तक आप उसको विकास कॉस्ट बेनिफिट नहीं बनाएंगे तब तक किसान उसकी तरफ नहीं बढ़े। विकास का ये कहा जा सकता है कि जैसे किसानों के मुद्दे की जो बात हम कर रहे हैं, पराली की समस्या की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पराली एकमात्र कारण नहीं और बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। क्या आपको लगता है राज्य सरकारों की लापरवाही, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें या फिर पंजाब सरकार की बात करें? जी बिल्कुल, दिल्ली के जो आसपास जितने भी राज्य हैं उन सभी को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ये इन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जी। स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी खेत में पराली ना जले। इंसेंटिव क्या दिए जा सकते हैं ये राज्य सरकारें तय करें। अब उसमें संतोष ये हुआ था कि राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास फंड नहीं है, खासतौर से जैसे पंजाब का मुझे उदाहरण याद है, जिस पंजाब ने जब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार किसी तरह का कोई नगद इंसेंटिव दें इन किसानों को, उनसे पराली खरीदें ताकि वो उसको जलाएं नहीं बल्कि सरकार को बेच दें और उसका कुछ उपयोग किया जाए, तो उस वक्त सीधे सीधे राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास, उन्होंने कह दिया था कि हम तो दिवालिया हैं अगर इस तरह से हमको पैसा का भुगतान करना पड़ेगा। तो राज्य सरकारें किसी सॉल्यूशन के साथ नहीं आ रही हैं सामने पराली को लेकर के। अब इसमें जहां तक सेंटर के स्तर पर बात की जाए तो केंद्र ने कहा कि हमने 80% सब्सिडी दे दी है मशीनरी पर, जिससे आप पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं खाद वगैरह बनाने के लिए। 80% सब्सिडी का हमने ऐलान कर दिया, लेकिन फंडिंग जो है वो तो राज्य सरकारों को ही करनी पड़ेगी अगर किसान इसको खरीदने में समर्थ नहीं है। जो छोटे किसान है, बड़े किसान खरीद सकते हैं, उनको खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन छोटे किसानों को राज्य सरकार को ही किसी न किसी तरह से फंडिंग करनी होगी और इन मशीनों को उनको देना होगा ताकि वो पराली जलाने के बजाय इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए विकास। तो प्रदूषण की जो बढ़ती समस्या उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी कड़े लहजे में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि प्रदूषण की जो समस्या है सिर्फ पराली एकमात्र समस्या नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य भर में सैकड़ों की तादाद में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले 14,000 से अधिक लोगों को 259 शिविरों में रखा गया है। चेन्नई में 2,888 लोगों को 55 राहत शिविरों में रखा गया है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण 68,652 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को 33% से अधिक नुकसान वाली कृषि भूमि का आकलन करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने नीलगिरी में कुछ और दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसको देखते हुए नीलगिरी की यात्रा से बचने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं चेन्नई में आज बारिश के अनुमान के कारण स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुर्गन ने आज चेन्नई में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सुबह अम्बतूर के पास पत्रावक्कम इलाके का दौरा किया, साथ ही उन्होंने अम्बतूर के पास कारक्कू मेन रोड की स्थिति का भी जायजा लिया। एल मुर्गन ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और जरूरतमंदों को बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की। तमिलनाडु में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। थिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। पादप अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसान एमवी राव को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने अपने छोटे से खेत में 200 औषधीय पौधों की 300 प्रजातियों को संरक्षित किया है। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में कामधेनु शोध की पीठ की उन्होंने स्थापना की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि गौ संवर्धन का विशिष्ट वैश्विक केंद्र बना सागर को बनना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो पशुपालक
किसान उनकी आय को बढ़ाया जा सके। यह गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय गायों की क्षमता अपार है, जरूरत इसे समझने और समझाने की है कि जो पशुपालक है वो देसी गायों का पालन करें। दुग्ध उत्पादन, खाद्य उत्पादन और विभिन्न औषधि उपयोग सहित गायों के महत्व को कई पहलुओं को हम जानते हैं और इसको और विस्तार और बढ़ावा देने की जरूरत है। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि दुर्भाग्य से समय के साथ हम देसी गोवंश का महत्व भूल गए हैं। गाय ब्रह्मांड का मूल आधार है, जिससे संबंधित सभी उत्पाद मनुष्य के मन, तन और धन को प्रखर कर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से यह संदेश जाना चाहिए कि हम अपने जीवन और कर्म में गौ स्नेह को नए रूप से पुनर्स्थापित कर सके। गौवंश, गौमूत्र से होने वाली आय पर गौशाला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट ने सिखाया है कि स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए हमें गौ माता की ही शरण में जाना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय कई आयामों, उद्देश्यों के प्रोजेक्ट और वित्त संबंधी प्रस्तावों को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। रूपाला ने कहा कि मंत्रालय निश्चित रूप से इस योजना में विश्वविद्यालय की मदद करेगा और उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के बाद देश के 25 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों ने अब तक पेट्रोल और डीजल पर वैट अर्थात मूल्य वर्धित कर में कटौती की है। भारत सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करते समय राज्यों से भी अनुपातिक रूप से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया गया था। अब तक जिन राज्यों, संघ शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कटौती नहीं की है उनमें महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल खरीदती है उस पर केरल को वैट चुकाया जाता है, जबकि संघ शासित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर कर शून्य है। वैट में कटौती के बाद पंजाब में पेट्रोल की कीमत में सबसे अधिक 16.02 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 13.43 रुपये और कर्नाटक में 13.35 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। अंडमान और निकोबार में पेट्रोल सबसे सस्ता 82.96 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पेट्रोल 92.02 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 170.45 रुपये प्रति लीटर है, जबकि महाराष्ट्र स्थित मुंबई में पेट्रोल 115.85 रुपये प्रति लीटर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डीजल की कीमत में सबसे अधिक 19.61 रुपये की प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद कर्नाटक में डीजल के दाम में 19.949 रुपये और पुडुचेरी में 19.08 रुपये की कमी आई है। डीजल अंडमान और निकोबार में सबसे सस्ता 77.13 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मिजोरम के आइजोल में यह 79.55 रुपये प्रति लीटर है। जयपुर में, राजस्थान में डीजल की कीमत 108.03 रुपये प्रति लीटर है, 109.39 रुपये प्रति लीटर, जबकि आंध्र प्रदेश के विजाग यानी विशाखापट्टनम में डीजल 107.48 रुपये प्रति लीटर है। और उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत 1,882 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से 33 जिलों के 1,262 गांवों की 39 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इस स्वीकृति के अनुरूप राज्य के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं। अब तक 2.64 करोड़ रुपये से 34 लाख यानी कि 12.9% ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल की आपूर्ति हो रही है। राज्य की योजना 2021-22 में 78 लाख घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर में स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराने और महिलाओं व लड़कियों को घर से अधिक दूर जाकर वहां से पानी लाने के कष्ट से राहत देने की सोच को साकार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने पहले ही उत्तर प्रदेश को 2021-22 के दौरान 2,400 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि जारी कर दी है। इससे पहले 2019-20 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को 1,206 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसे 2020-21 में बढ़ाकर 2,571 करोड़ रुपये कर दिया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साल 2021-22 के लिए आवंटन में 4 गुना बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूरी सहायता का आश्वासन दिया था। और केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने शुक्रवार को मणिपुर में 30 असंगठित श्रमिकों के बीच ई श्रम पंजीकरण कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य इस योजना के उचित कार्यान्वयन के साथ ही उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तेली ने कहा कि देश भर में लगभग 7.30 करोड़ श्रमिकों और मजदूरों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि मणिपुर के लिए 8.65 लाख पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त में लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल देश के असंगठित कार्यबल का एक व्यापक डेटाबेस संग्रहित करता है। पंजीकृत व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए के लिए पात्र होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। गेहूं के रकबे में अब तक 1000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में गेहूं की बुआई 34000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 35000 हेक्टेयर रहा था। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में गेहूं की बुआई आगे चल रही है। यहां 29 अक्टूबर तक रबी गेहूं की बुआई 24000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में 5000 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 3000 हेक्टेयर, जबकि जम्मू कश्मीर में 2000 हेक्टेयर में गेहूं बोया जा चुका है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने में देश से गेहूं का निर्यात 23,46,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 4,04,224 टन का ही हुआ था। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2055 रुपए, 12 नवंबर को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2060 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राजकोट मंडी में ही शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 नवंबर को शरबती गेहूं का भाव था 2175 रुपए, 12 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2165 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में उठाव रहा। यहां 11 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1900 रुपए, 12 नवंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1925 रुपए। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में 11 नवंबर को गेहूं का भाव था 1966 रुपए, 12 नवंबर को इसके सौदे 16 रुपए चढ़कर 1982 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुरुवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1945 रुपए, शुक्रवार को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 1960 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1910 रुपए, एटा मंडी में भाव रहा 1930 रुपए, गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं 1980 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 1930 रुपए पर हुए। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। शुक्रवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 6 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 48,000 टन बढ़कर 1,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,09,907 टन का ही हुआ था। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार हैं। गुजरात की रापर मंडी में 11 नवंबर को ग्वार का भाव था 5,790 रुपए, 12 नवंबर को इसके भाव में 110 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,680 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 नवंबर को ग्वार का भाव रहा 5,625 रुपए, 12 नवंबर को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल आया और भाव 5,750 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की ब्यावर मंडी में ग्वार के भाव में बढ़त रही। यहां 11 नवंबर को ग्वार का भाव रहा 6,200 रुपए, 12 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव
6,300 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि गोलूवाला मंडी में 11 नवंबर को ग्वार का भाव रहा 6,200 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,000 रुपए। वहीं राजस्थान की ही जोधपुर मंडी में गुरुवार को ग्वार का भाव था 5,862 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,962 रुपए पर जा पहुंचा। और अब बात मौसम की करते हैं और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। ये समय रबी की फसल बोने के लिए अनुकूल है। असम के किसान तैयार साली धान की कटाई करें और उसके बाद रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करें। असम में इन दिनों आलू की बुआई कर सकते हैं। जो किसान रबी की मक्का बो चुके हैं उनको सलाह है कि वे खेत में खरपतवार निकालने और हल्की निराई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और राई की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में राई, सरसों और तोरिया की बुआई करें। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में भी राई, सरसों और तोरी बोएं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन दिनों आलू की बुआई की जा सकती है। इसके साथ ही मिजोरम में पकी हुई धान की कटाई समय पर पूरी कर लें। यहाँ के किसान इन दिनों मक्का की बुआई को जारी रखें। मिजोरम में आलू की बुआई कर सकते हैं। त्रिपुरा में राई की बुआई का काम करें। नागालैंड में साबुदाना की कटाई करें। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में तैयार सोयाबीन की कटाई और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई के बाद जब पौधों पर 5 से 6 हफ्तों में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो रोपाई कर लें। यहां गोभी वर्गीय फसलों में सफेद मक्खी की निगरानी भी करते रहें। गांगे पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में मटर बोएं। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे क्षेत्र में अमन धान की कटाई करें। पश्चिम बंगाल में तैयार बड़ी इलायची की कटाई भी समय पर कर लें। पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीच के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई कर रहे वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहाँ तक सवाल मिट्टी का है तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो, इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए।
इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। रही है जमीन, गहराता जा रहा है जल संकट, बढ़ती जा रही है आबादी, कैसे हो पाएगी खेती, कैसे भरेगा सबका पेट, जमीन के छोटे से टुकड़े से मिल सकती है आपको बंपर उपज, बंपर कमाई। हाइड्रोपोनिक के जरिए देखिए कृषि विशेष में हाइड्रोपोनिक, बिना मिट्टी की खेती, शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या मिल रहा है हर खेत को पानी, कैसे करें